स्पोर्ट्स मैम के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो शर्मनाक हादसा है, क्योंकि उस कराटे प्लेयर ने हमारी जो नुसरत गुल मैम जो है उन पे अटेम्प्ट किया है, मारपीट किया है, उनको दबोचा है, जो एक प्लेयर को शोभा नहीं देता है। क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है हमें ये चीज़ें नहीं सिखाता है, वो सिखाता है हमें कि हम डिसिप्लिन में रहे, जो हमारी गेम है वो हमें मेडल लाना सिखाती है, दबोचना नहीं सिखाती है, हमें सेल्फ डिफेंस सिखाती है, बट ये सारी चीज़ें नहीं सिखाती है। इसीलिए हम सारे बच्चे यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं ताकि हम इस चीज़ की मजम्मत कर सकें। जी सर, क्योंकि उन लोगों जो कराटे प्लेयर थी उन लोगों ने जो अपनी सर्टिफिकेट थी उनको बोला है कि हमारी जो सर्टिफिकेट है वेरीफाई करके दो, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, एसोसिएशंस का काम होता है कि प्लेयर कौन सा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, जेन्युइन खेल रहा है या क्या खेल रहा है, ये उनका काम होता है एसोसिएशंस का कि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करें। आफ्टर दैट ये स्पोर्ट्स काउंसिल पे जाया जाता है कि ये सारी वेरीफाई कम्प्लीटली एसोसिएशन जब वेरीफाई क्लियर करके देता है उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल पे जाता है। लेकिन इन लोगों ने डायरेक्टली मैम को ऐसा बोला है कि हमारी जो सर्टिफिकेट है ये सारी ये करके दे दो आप, तो लेकिन उन लोगों ने टोटल मना किया है। और वीडियोग्राफी मैम की है स्टार्टिंग को, दैट मींस उनका यही इम्कान था कि मैं कुछ ऐसा करूं सो दैट कि उनकी वीडियोग्राफी बना सके। मैडम के ऊपर अटैक कहां पे हुआ है? उनके ऑफिस में हुआ है। कितने लोग थे? वाहिद एक लड़की थी और नीचे दो लड़के थे। नाम क्या लड़के? निगत बशीर। आप हमें बताएं, जिस तरह से हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो, खासकर हम जब जूडो कराटा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लड़कियां इसमें आनी चाहिए आगे और वो सेल्फ डिफेंस के लिए इस चीज़ को सीखें। लेकिन अगर इस तरह के वाकयात होते हैं जहां पर अपने ही जो एसोसिएशन के बंदे हैं उन पर मारपीट की जाती है, तो आपकी तरफ से क्या रद्दमल रहेगा? सर, इसमें यही रहेगा कि क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स इससे बदनाम होगा, हमारे जो स्टेट में प्लेयर जिन लोगों ने मेडल लाए हैं स्टेट के लिए, पूरे नेशनल इंटरनेशनल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिए, उनके लिए एक शर्मनाक की बात है। क्योंकि ऐसा रद्दअमल रहना तो इन फ्यूचर हमारे जो छोटे बच्चे जिनको हम सिखाते हैं या जिनके साथ सीखते हैं वो कल को क्या सोचेगा हमारी इस गेम के रिलेटेड, वो क्या उन पर क्या असर पड़ेगा इस गेम के रिलेटेड इस इंसिडेंट के बाद। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो सके। LG साहब से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप पूरी तहकीकात करें कि कौन सी एसोसिएशन जेन्युइन है, कौन से कॉम्पिटिशन जेन्युइन है, तो उनके बाद उनको परमिशन दी जाए किसी भी, चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, चाहे कोई भी हो। ज़्यादातर देखा जाए तो इंडोर गेम्स में यह सारी चीज़ें होती है, जो फेक एसोसिएशन है, फेक कॉम्पिटिशन खेले जाते हैं, तो उन वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो इन फ्यूचर मेरा नाम सरीमा रियाज है। क्यों सरीमा यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो है काउंसिल की, उस पे अटैक हुआ है। किसने अटैक किया? वो किसी फीमेल ने किया। फीमेल ने किया, तो आप यहाँ प्रेस कॉलोनी क्यों आए हैं? हम यहाँ अपने स्पोर्ट्स को बचाने के लिए आए हैं। स्पोर्ट्स को बचाने? आपको किसने कहा यहाँ आने के लिए? हम अपने कोच ने कहा। अब मुझे बताएं यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या बोलना चाहती हैं आप? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम हमेशा खेलने चाहिए, हमें कभी स्पोर्ट्स बंद नहीं होना चाहिए, हम हमेशा अपने टाइम पर खेलने चाहिए। ये हम और डिसिप्लिन हमें सिखाते हैं। हम किसी बड़े पे हाथ नहीं उठाते हैं स्पोर्ट्स में, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं स्पोर्ट्स में। हम बाकियों की तरह नहीं है जो जिसने हाथ उठाया है उस पे, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं सर, हमें किसी पे हाथ नहीं उठाते हैं।